नमस्कार, विनय आईएएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम डेली आपको झारखंड से रिलेटेड वीडियोस दे रहे हैं और उस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि उस वीडियो के अंत में आप मैसेज के जरिए उसे डाल सकते हैं, ताकि वो आंसर क्या है, सही है, गलत है, जो भी है वो आपको मैसेज के जरिए या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आप इसके अलावा किसी अन्य वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी अन्य वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसका टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, उस टॉपिक को आप मैसेज में या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आज जो है जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे, वो हमारा टॉपिक क्या है? मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था। मानकी मुंडा की स्वशासन व्यवस्था कैसी थी, इसमें किन किन लोगों ने किस प्रकार से कार्य किए, इन सभी के बारे में जो है वो हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो स्वशासन व्यवस्था है ये मुख्यतः किन किन गांवों में प्रचलित है। तो ये जो स्वशासन व्यवस्था है मुख्यतः तीन गांवों में प्रचलित है। सबसे पहला है हमारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ये तीन जगह में ये प्रचलित है। ये तीन जगह में सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि जो सब वेस्ट सिंहभूम, आपका वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और थर्ड है हमारा सरायकेला खरसावा। इन तीन गांवों में जो है ये स्वशासन व्यवस्था जो है प्रचलित है। ब्रिटिश सरकार के आने से पहले यहाँ पर जिस राजा का शासन चलता था, जिस राजा का उत्तराधिकार था, वो कौन से राजा थे? आपके पोरहट राजा। ब्रिटिश के आने से पहले किस राजा का वहां पे दबदबा था, किस राजा का शासन चलता था? तो पोरहट राजा। पोरहट राजा के उत्तराधिकारी में सारा कार्य आपका चलता था, जिसे हम उस समय सिंहभूम का राजा भी कहते हैं। सिंहभूम का राजा, सिंहभूम का राजा, ये जो है ये संज्ञा उसको दिया गया था। लेकिन राजा के शासन काल में जो मूल निवासी हो थे वो राजा के नेतृत्व में नहीं थे। उस समय जो यहाँ के मूल निवासी हो थे वो जो पोरहट राजा थे उसके नेतृत्व में नहीं थे। उसके शासन काल में 1821 में जो ब्रिटिश सरकार थी, और 1821 में जो ब्रिटिश सरकार है, 1821 में ब्रिटिश सरकार ने उस पर अपना, सिंहभूम पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। सिंहभूम पर अपना आधिपत्य जमाना जब स्टार्ट किया, तो वहां पर स्टार्ट करने के बाद उसने जो दक्षिणी हिस्सा था, जो कि किसके अंतर्गत में था, पहले तो वहां पे स्टार्ट किया, और जो दक्षिणी हिस्सा था वो था आपका पोरहट राजा के अंतर्गत। जो दक्षिणी हिस्सा था हमारा, जो दक्षिणी हिस्सा था उसे भी छीन कर पोरहट राजा से, दक्षिणी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा किसका था? पोरहट राजा का था। उसको भी छीनकर अपने आधिपत्य में जमा कर लिया, यानी उसे उसमें भी अपना जितना भी पदाधिकारी था उसको मिला लिया और उसे अपने आधिपत्य क्षेत्र में शामिल कर लिया, और उस क्षेत्र को उसने कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का नाम दिया। उसको क्या नाम दिया? कोल्हान स्टेट। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का जो संज्ञा है वो उसको दिया, सॉरी गवर्नमेंट। मेन का संज्ञा जो है उसको दिया, और इसके लिए उस जिसके जो प्रशासन उसने उसके अधीन किया, इसे कोल्हान प्रशासन के नाम से जाना जाता है। जो प्रशासन उसने अधीन किया, ये कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट को कोल्हान प्रशासन के नाम से जाना जाता है। कोल्हान प्रशासन,
कोल्हान प्रशासन के नाम से इसको जाना जाता है और इस नए क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसने एक नियुक्ति की कैप्टन थॉमस विल्किंसन, जो एजेंट यहाँ का जो एजेंट था वो किसको उसने नियुक्ति की, एजेंट में उसने किसको नियुक्ति की, थॉमस विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन को जो है उसने यहाँ का एजेंट नियुक्त किया जो क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसने, जो थॉमस विल्किंसन था उसने पूरे क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुसंगठित रूप से चलाने के लिए एक नया रूल तैयार किया और उस रूल को किस रूल से जाने जाने लगा, विल्किंसन रूल, विल्किंसन रूल के से जाने लगा। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि विल्किंसन रूल को किसने प्रतिपादित किया, तो थॉमस विल्किंसन ने विल्किंसन रूल को प्रतिपादित किया। इसके बाद 1834 से 35 में ब्रिटिश सरकार ने इकरारनामा के आधार पर मानकी तथा मुंडा को, 1834 से 35 में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने करारनामा के अनुसार जो मानकी तथा मुंडा थी 1834 से 1835 में, इस समय इन्होंने मानकी तथा मुंडा को अलग अलग सनद पट्टा निर्गत किया, अलग अलग सनद पट्टा, अलग अलग सनद पट्टा किसको निर्गत किया उसने, मानकी और मुंडा को, मानकी और मुंडा को, जिसे आज के डेट में हुक्का नामा के नाम से जाना जाता है, हुक्का नामा, जिसको किसकी संज्ञा दी गई, हुक्का नामा के नाम से जाना जाता है। ये किस समय हुआ, 1834 से 1835 में। इस समय प्रशासन का जो है प्रमुख कुछ उद्देश्य था, जो पहला उद्देश्य था वो था स्थानीय सरकार को सुरक्षित रखना। उनका सोचना ये था कि अगर स्थानीय सरकार सुरक्षित रहती है तो लोगों को भी बहुत सारी चीजों में दिक्कतें नहीं होगी। सरकार का दूसरा उद्देश्य था सरकार का जनता के साथ सीधा स्थापित कर, सीधा संबंध स्थापित करना, जो जनता है उसको जो भी दिक्कत है वो डायरेक्ट सरकार से बातचीत करे। तीसरा था जो विवादों का निपटारा है ग्राम पंचायत के माध्यम से गांवों में ही सुलझ जाए, ये था तीसरा उद्देश्य। तो ये था प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य। मुंडा के ग्राम के प्रधान तथा मानकी को पीड़ का प्रधान बताया, मुंडा को गांव का प्रधान और मानकी को पीड़ का प्रधान बताया गया। पीर का अर्थ वही होता है जो मुंडा के पहाड़ों और संथालों के लिए परगना के लिए होता है, मतलब कई पीर, मतलब कई ग्रामों को मिलाकर। अब है मानकी का अधिकार एवं कर्तव्य, मानकी के क्या क्या अधिकार एवं कर्तव्य थे इनके बारे में जान लेते हैं हम। मानकी के कौन कौन से अधिकार एवं कर्तव्य थे, मानकी के अधिकार एवं कर्तव्य, मानकी Rights and duties। मानकी का जो पहला राइट्स था, जिसमें मानकी को कहा गया कि ये जो है ये ओहदा मारुषी है, ओहदा मारुषी कहा गया, यानी नजदीक में जो भी मर्द है अगर वो वारिस के लायक है बहाल होने का तो उसे बहाल होने का हक है, अगर मानकी बर्खास्त किया जाए तो उसके वारिसों पर इसका कोई हक नहीं होता है, उसके वारिसों पे इसका कोई भी हक नहीं होता है। जो दूसरा था, मानकी जो है वो अपने पीड़ के प्रति उत्तरदायी होता है, पीड़ के प्रति उत्तरदायी, पीड़ के प्रति उत्तरदायी, पीड़ के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, यानी कि अपने पीड़ के अंतर्गत पड़ने वाले सभी ग्रामों के प्रति समान रूप से जिम्मेदार। तीसरा है, मानकी अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली मुंडा के द्वारा जमा करने के प्रति उत्तरदायी होता है, राजस्व वसूली जो है, राजस्व वसूली जो है वो किसके जरिए होता है, मुंडा के प्रति होता है, मुंडा के जरिए होता है, किसमें, मानकी में, तथा मुंडा उसके क्षेत्र का निश्चित अवधि पर अगर लगान नहीं जमा करता है तो मुंडा के साथ साथ उस कार्य के लिए दोषी कौन कौन होता है, मुंडा और मानकी दोनों होता है।
तो ये चीज क्लियर है, मुंडा और मानकी दोनों होता है। वसूली राजस्व में से मानकी को 10% कमीशन पाने का हक होता है, लेकिन आजकल सरकार की तरफ से 1500 रुपये प्रति महीना का भुगतान जो है वो मानकी को होता है। ऐसे कितना प्रतिशत था, 10% जो है वो कमीशन किसको मिलता है, 10% कमीशन जो है पहले मानकी को मिलता था, परंतु नाउ अभी के डेट में सरकार की ओर से 1500 पर मंथ दिया जाता है, 1500 पर मंथ दिए जाने का जो है प्रावधान है। राजस्व वसूली का मुंडा जो है 16% तथा तहसीलदार को 2% मिलता है। यहाँ 10% मानकी को, मुंडा को मिलता है 16%, जो मुंडा है उसको 16% और जो तहसीलदार है, जो तहसीलदार है उसको मिलता है 2%। ये सारा जो है जो भी लगान राजस्व वसूली होता है उसके बारे में दिया गया है कि कितना कितना प्रतिशत किसको किसको दिया जाता है। अपने ग्राम के बाहर के व्यक्ति के बसने पर उपायुक्त को सूचना देने का अधिकार किसका है, मानकी का है। मुंडा अपने ग्राम में शांति तथा कानून व्यवस्था को बहाल रखता है, ये मुंडा के बारे में है। और जो मानकी है, मानकी अपने क्षेत्र का छोटे छोटे विवादों का निपटारा करता है और उसका फैसला जो है वो खुद सुना देता है। और वहीं पर जो मुंडा है वो अपने विभाग के पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में सहयोग तथा मदद प्रदान करता है। दोनों का अलग अलग है, जैसे मैंने ये तो बताया था आपको राजस्व वसूली का परसेंटेज की कितना कितना है। और जो मानकी है, मानकी अपने इलाके के अपराधियों को थाने के सुपुर्द कर देता है, अपने इलाके के अपराधियों को थाने के सुपुर्द। मानकी जो है अपने इलाके का पुलिस अधिकारी जो है वो खुद है, लेकिन कुछ मामलों में वो जो भी अपराधी करता है उसको किसको सौंप देता है, थाने को। अब हम जानते हैं, देखिए मुंडा के बारे में मैंने इसके बीच में कंपैरिजन के तौर पे बता दिया, लेकिन अलग से मुंडा के बारे में बता रही हूँ कि मुंडा जो है वो भी ओहदा मारूसी है, लेकिन मुंडा के बर्खास्त होने पर मारूसी हक समाप्त हो जाता है। अर्थात नजदीकी मर्द वारिस के बाली होने तक एक जोड़ीदार मुंडा की बहाली की जाती है, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है तब तक उसका जो भी जोड़ीदार है उसके साथ का हमउम्र को उस पद पर स्थापित किया जाता है। निवेश पिराली जमीन को उपायुक्त के आदेश से अपने कब्जे में रखकर जो है मुंडा उस पर बंदोबस्ती कर सकता है, उस पर बंदोबस्ती जो है वो मुंडा कर सकता है। राजस्व वसूली के बारे में मैंने बता दिया था 10% कमीशन मानकी का है, तो 16% जो है वो किसका है, मुंडा का है। अपने ग्राम के बाहरी व्यक्ति के बसने पर, अपने ग्राम के बाहरी व्यक्ति के बसने पर उपायुक्त को सूचना प्रदान करना किसका कार्य है, मुंडा का कार्य है। मुंडा जो है वो मौजा का पुलिस अधिकारी है। ग्रामों के रैयत अपने अधिकार से बाहर कोई अनुचित कार्य नहीं करे, इसके भी जो है अधिकार जो देखना है वो किसको है, मुंडा को देखना है। तो ये जो थी, ये सारी जो मुंडा मानकी, अब इससे रिलेटेड जो है ये हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार है, जैसे कि मुंडा जो मानकी व्यवस्था है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मानकी मुंडा शासन व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी। 1821 में ब्रिटिश सरकार ने किसे अपने अधीन कर लिया, मतलब कि किस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा लिया। झारखंड में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ। मानकी को सरकार के द्वारा कितना भुगतान प्राप्त होता है। मानकी आपराधिक सूचनाओं की जानकारी किसे देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो है ये सारा जो है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।